एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जिस पर्सन का ख्याल आपको हर वक्त, हर घड़ी या 24 घंटे आता रहता है, उस पर्सन को क्या आपका ख्याल उसी तरह से आता है जिस तरह से आपको आ रहा है, या जब भी उन्हें आपका ख्याल आ रहा है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। ठीक है, आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको बस और बस अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि ये आपको याद करके कैसा महसूस करते हैं, क्या आपको याद करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके जस्ट प्लीज ओनली जस्ट प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए बताइए, जब भी व्यूअर्स को याद करते हैं गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं। पूरा सोच गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं जब भी व्यूअर्स को याद करते हैं, गाइड कीजिए। Strength, Page of Wands, King of Cups, Guide कीजिए बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को याद करते भी हैं या नहीं, मैंने बस गाइड कीजिए बताइए। Ace of Cups and bottom of the deck है Knight of Pentacles। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज हैं वो आपकी है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपकी लियो की एनर्जी है। ये आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। और यहाँ पर आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं, और इनफैक्ट अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे तो सभी एनर्जीज हो जाती हैं। मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, चाहे ये पर्सन आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे हो। ठीक है, कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली यहाँ पर एज गैप अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। सवाल यहाँ पर पहला ये आता है कि जैसे आप इन्हें हर वक्त, हर घड़ी या 24 घंटे याद करते हैं, क्या ये आपको याद करते हैं उसी तरह से? तो जी हाँ, बिल्कुल ये पर्सन आपको हर पल, हर घड़ी यानी कि 24 घंटे ये आपको याद करते हैं। और यहाँ पर विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि जब जब ये पर्सन आपको याद करते हैं ना, तब तब इनका मन बेचैन होने लगता है, तब तब इनके मन में ना एक अजीब सी घबराहट फील होने लगती है। इन्हें ऐसा लगने लगता है उस वक्त में जैसे कि बस इनका फोकस आपके ऊपर है, ये कहीं और लगा नहीं पा रहे हैं, अपना फोकस वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनके लिए अपना फोकस हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा बनता जा रहा है, तो वो चीज़ें इनके साथ होती हैं। तो यहाँ ये काफ़ी क्लियरली है कि जी हाँ, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं तो बेसिकली इन्हें ऐसा फील होने लगता है कि ये आज वहाँ पर हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, और आपकी यादें या आपकी बातें इन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, और वो बातें, वो यादें इनका कहीं और फोकस लगाने ही नहीं दे रही हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ इन्हें याद कर रहे हो, याद ये भी कर रहे हैं। ठीक है, और कैसा महसूस करते हैं ये जब भी आपको याद करते हैं, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड एंड एस ऑफ कप्स कार्ड, जो भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, जिसे कहीं ना कहीं इन्होंने छुपा कर रख रखा है, आपसे हाइड कर रखा है, इवन अपने आप से भी इन्होंने हाइड कर रखा है ना, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो नई शुरुआत की इच्छा इनकी उमड़ने लगती है, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, इनके दिल में उस वक्त में इस तरह की चीज़ें चलने लगती हैं कि आपसे बात करें, आपकी तरफ एक मैसेज सेंड करें, आपकी तरफ, अपनी तरफ से कोई मैसेज, चाहे अपने थ्रू, किसी और के थ्रू ये सेंड करें, जो इन्होंने अपने आप को
प्रोटेक्ट कर रखा है, अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को एक बंद घेरे में बंद कर रखा है, वहां से निकाल कर ये आपके पास अपना वो मैसेज सेंड करें, तो डेफिनेटली इस पर्सन का दिल उस वक्त में ये करता है कि आपसे बात करें, क्या इनके दिल में है जो इन्होंने छुपा रखा है या जो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना उस वक्त में ऐसा महसूस करते हैं कि आपसे बात करके, आप तक वो मैसेज सेंड करके ना मन हल्का हो जाएगा, मन पर जो एक बोझ है, भार है, वो हल्का हो जाएगा, तो वो चीज़ें इनके मन में उस वक्त में चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि देखो जो ये पर्सन इस वक्त में कर रहे हैं, जैसे आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि आप में दिलचस्पी नहीं है एंड ऑल, जो भी इनका जेस्चर है रूड आपकी तरफ, वो करने के लिए इन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, वो चीज़ें इनके लिए भी आसान यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वजह है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन स्लो हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने जज्बातों को अपने अंदर समेट रहे हैं और वहीं पर खड़े हैं, तो हम वो चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जो भी इनका इस वक्त में जेस्चर है ना, वो इनके लिए भी इजी यानी कि आसान नहीं है, वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, वो ये महसूस करते हैं कि मेरे लिए भी ये चीज़ें ना आसान नहीं है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है अब तक की रीडिंग में। ठीक है, देखो बेसिकली ये पर्सन डेफिनेटली आपको हद से ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने खूबसूरत पल जिए हैं ना, जो रोमांटिक पल जिए हैं, जो इन्होंने आपसे प्यार रिसीव करा है या जो इन्होंने आपको प्यार दिया और आपके तरफ से वो बदले में प्यार ढेर सारा जो इन्हें रिसीव हुआ है ना, ये पर्सन उसे बेहद ज़्यादा याद करते हैं और वही प्यार आज की डेट में इस पर्सन की ख्वाहिश बन गई है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में प्यार अब नहीं है, जो भी इन्हें प्यार मिला, फीलिंग्स मिली, एक पैम्पर जैसी जो एनर्जी मिली ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिली है, अदरवाइज इन्हें कभी वो चीज़ें नहीं मिली, एज एन किसी ने इन्हें इतना पैम्पर नहीं करा, किसी ने इनकी इतनी परवाह नहीं करी सिवाय आपके, किसी ने इन्हें बच्चे की तरह प्यार नहीं दिया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद करते हैं और जब भी आपको याद करते हैं ना, तो आपका वही प्यार ये महसूस करते हैं। ठीक है, और वही प्यार ये आज की डेट में अपनी इच्छाओं में मांगते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। आज की डेट में आप इस पर्सन के वो सपने बनकर रह गए हो जिसे इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि शायद अभी रियलिटी में मुझे नहीं मिलेगी, ये मेरी इमेजिनेशंस थी या बस इतना ही प्यार मेरी किस्मत में लिखा था, तो उस चीज़ को ले लेकर ना ये पर्सन अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, अपने आप को दर्द देते हैं, पेन देते हैं, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो वो चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करती हैं, तो आपकी यादें ने जब जब याद आती हैं, जब जब ये आपको महसूस करते हैं ना, तो इन्हें ये लगता है कि वो सब चीज़ें मुझसे छिन गई हैं और अब इसका वापस से मिलना मेरे लिए शायद नामुमकिन है, तो वो चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन ना काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो देखो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन इस वक्त में चल रही है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी है और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखा। ठीक है, स्ट्रेंथ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए कैसा महसूस करते हैं ये इस मामले में, गाइड कीजिए। एट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है थ्री ऑफ कप्स, ओके, नंबर एट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका अगस्त मंथ, पॉसिबिलिटी है आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ हो, या वो मंथ अगस्त था जब ये आपकी लाइफ से गए थे,
उसके बाद आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो गया हो तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन बंद हुआ है उसके पीछे की वजह है थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी। अब ये कोई भी हो सकती है, एज एन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है इस पर्सन का, या फिर कोई फ्रेंड इनका जो बेसिकली आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट था या थी, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। फैमिली वाले भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड एनर्जी मुझे दिख रही है, और जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन बेसिकली स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने की, इच्छा होने के बावजूद भी वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने की, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और जब ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें होता है, उस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें इस तरह से हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है, या मुझे पॉजिटिव लेकर आने की अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी दिख रही है कि आप लोगों के केस में जो थर्ड पार्टी है ना, जो थर्ड एनर्जी है, इस पर्सन को ये उम्मीद नहीं थी कि इस थर्ड पार्टी के आने के बाद या इसे प्रायोरिटी देने के बाद इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इतनी तेज़ी से अनएक्सपेक्टेडली बदल जाएंगी, यानी कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, आप दोनों दूर हो जाओगे। तो इन्हें ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर परिवार वाले हैं एक थर्ड पार्टी, और इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि परिवार वाले इतने ज़्यादा खिलाफ आप दोनों के बीच के कनेक्शन के हो जाएंगे कि रिश्ता पूरी तरह से बिखर ही जाएगा, चेंज ही हो जाएगा। तो उस चीज़ का अफसोस इनके मन में बेहद ज़्यादा रहता है, और ये उनके ख़िलाफ़ नहीं जा पा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये नहीं लड़ पा रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, उस चीज़ का अफसोस इन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, या उस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। या फिर अगर दोस्त यार ही हैं तो उनकी वजह से चीज़ें इतनी बिखर जाएंगी, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। पेज ऑफ वैंड्स के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स कैसा महसूस करते हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटी है आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो। ठीक है, एट नंबर डेफिनेटली बेहद इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगेन यहाँ पर आया है ये पर्सन। डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन पे काम करना नहीं चाहते, वापस इस कनेक्शन पे काम करने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या इनका अट्रैक्शन इस साइड है कि इस कनेक्शन में माफ़ी देने और लेने से इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आए हैं ना, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। बस इन्हें यहाँ पर गिव अप नहीं करना होगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, वो महसूस करते हैं ये, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पेज के एनर्जी में रह जाता है। ये रिश्ता जो आप लोगों के बीच का है, ये रिश्ता बेसिकली किंग की एनर्जी में एक्शंस चाह रहा है इस पर्सन की साइड से, वो करेज, वो जिगरा इस पर्सन की साइड से चाह रहा है, और ये पर्सन उतना करेज या उतना स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और ये उस चीज़ को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि स्टिल ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्क इस रिलेशनशिप पर अपनी साइड से नहीं कर पा रहे हैं, वो पेज की एनर्जी में आकर रह जाता है, और ये चीज़ें ये महसूस भी करते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी हो सकती है कि ये वर्क इतना कर रहे हैं, लेकिन उस वर्क का रिजल्ट 0% रहता है, यानी कि ये जो भी आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ हैं, थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, तो ये उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी इनके सामने आ रही है जिसमें ये अल्टीमेटली स्टक होकर रह जाते हैं। कभी इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा हो, कभी इन्हें किसी चीज़ की दुहाई दी जा रही हो, कभी इन पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हो, तो अल्टीमेटली जितनी कोशिश करते हैं वो कम ही रह जाती है। और इस चीज़ को ये पर्सन महसूस भी कर रहे हैं। एक तो पहले अपने आप से ही स्ट्रेंथ की कमी रह जाती है, और जब थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जुटाकर काम करते हैं तो वहाँ पर दूसरी साइड से इन पर प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा।
ठीक है। किंग ऑफ कप्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है टेन ऑफ कप्स। देखो किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स यानी कि ये पर्सन ना आपको जब भी याद करते हैं ना तो आपको अपने हम सफर या जीवन साथी के तौर पर ही देखते हैं। एज एन इन्हें आपके मामले में ऐसा ही लगता है कि आप वो पर्सन हो जिसके साथ ये एक स्टेबिलिटी, एक घर, एक परिवार, एक सच्चा दोस्त देख सकते हैं। आपके साथ ना इन्हें वो खुशी महसूस होती है, वो इमोशनली अटैचमेंट इन्हें फील होता है, ठीक है। आपके साथ ये घर देख पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं। आज भी चाहे जो भी सिचुएशन इनकी होना, लेकिन ये आपको अपना परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं, जीवन साथी की तरह ये आपको ही देख रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है। जब भी जैसे आंखें बंद करते हो तो इन्हें आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपके साथ जो प्रोटेक्शन जैसा महसूस होता था ना, या जो सपना इन्होंने आपके साथ देख रखा था, वो इन्हें याद आता है, वो अपनी तरफ इन्हें खींचता है, तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो महसूस ये डेफिनेटली अभी भी वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स इनकी मर गई हो, तब गई हो। एस ऑफ कप्स के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी द एम्परर। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन के स्लो होने के पीछे की, कि यहाँ पर इनके ऊपर कोई अथॉरिटी पर्सन है जो इन्हें ऑर्गेनाइज कर रहा है या कर रही है, जो इन्हें मैनेज कर रहा है या कर रही है, जो इन्हें ना अपने मन मुताबिक लीड कर रहा है, ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, या जो नई शुरुआत करने की इनकी इच्छा है ना, उसे दबा कर रख रहे हैं, उसे अपने ही अंदर समेट कर रख रहे हैं, जो मैं आपसे ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। यहाँ पर नंबर 2, नंबर 9 यानी कि फरवरी और सितंबर मंथ भी मुझे बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं, जैसे कि डर डर कर जी रहे हों, एक ऐसा डर कि आपको खो दिया, एक ऐसा डर कि कुछ कर नहीं पाएंगे, एक ऐसा डर कि इसी तरह से अब इन्हें सारी ज़िंदगी ता उम्र रहना पड़ेगा, एक ऐसा डर कि आपकी याद तो आ रही है लेकिन उस याद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इवन अपना फोकस भी उस याद से नहीं हटा पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली रातों रातों सो नहीं पाते हैं, रातों रातों ये जगते रहते हैं, जैसे कि बस बैठे हैं, सोच रहे हैं, आपकी याद आ रही है, बात करने का दिल कर रहा है लेकिन बात क्या करेंगे आपसे, ठीक है। तो वो चीज़ें ये महसूस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दबा रहे हैं, और उसके पीछे की वजह है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते, इनकी ज़िंदगी के फैसले यहाँ पर कोई और ले रहा है या ले रही है, अपनी ज़िंदगी के, अपनी किस्मत के फैसले लेने का हक इन्हें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है पारिवारिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इनकी जंग एक से नहीं काफ़ी लोगों से है, ठीक है, और इसीलिए ये पर्सन नहीं लड़ पा रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। चलिए देखते हैं इतनी फीलिंग्स होने के बाद, इतना कुछ महसूस करने के बाद ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, जो दिल ही दिल में इन्होंने समेट कर रख रखा है, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए बताइए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, तो देखो ये आपसे दिल ही दिल में ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं ना, ये उसे सही करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यू आर ब्यूटिफुल, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, दिल से भी और बाहरी लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यू लाइट अप माई लाइफ, आपसे कहना चाहते हैं कि बेसिकली तुमने मेरी ज़िंदगी में ना रोशनी भरी है, तुमने मेरी ज़िंदगी में
प्यार भरा है, इमोशंस भरे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, और ये आपसे दिल ही दिल में ये चीजें कहते भी हैं। आई लाइक यू, ये आपको पसंद करते हैं। आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू, आपसे कहना चाहते हैं दिल ही दिल में कि शायद ये तैयार नहीं है, यानी कि वो जो जिगरा, वो स्ट्रेंथ इन्हें चाहिए ना इस कनेक्शन में फाइट करने के लिए, उसके लिए शायद ये तैयार नहीं है। यू आर स्पेशल टू मी, आपसे कहना चाहते हैं हालांकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, लेकिन मेरे में ही कमी है कि मैं इस कनेक्शन के लिए नहीं लड़ पा रहा या पा रही, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये पर्सन अल्टीमेटली इस कनेक्शन के लिए फाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो देखते हैं, ठीक है, वो जिगरा ये लेकर आ पाएंगे या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन में फाइट कर पाएंगे या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। जी हाँ, बेहद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में फाइट करेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन को न्याय यहाँ पर मिलेगा, इस कनेक्शन का एक नया चैप्टर यहाँ पर डेफिनेटली स्टार्ट होगा। अभी भले आप लोगों के बीच में एक बैड फेज चल रहा है, एक बैड साइकिल आप लोगों के बीच में चल रही है, लेकिन ये जो भी आप लोगों के बीच का कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन दुनिया को जैसे दिखा देगा कि हाँ, प्यार की अल्टीमेटली जीत हुई है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे और कर पाएंगे, हालांकि अभी थोड़ा ये नहीं कर पाने वाली एनर्जीज में दिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली जो अभी इस चीज से डर रहे हैं कि ये डिसीजन नहीं ले सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, वही पर्सन यहाँ पर खुद से अपने फैसले लेंगे, यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। खुद से ये पर्सन यहाँ पर फाइट करेंगे विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यानी कि खुद से इस रिश्ते के लिए ये लड़ेंगे, यहाँ पर ये काफी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर होगी ही होगी, बट देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वक्त ले लेती हैं, वो ही यहाँ पर आया है कि ये पर्सन फाइट डेफिनेटली करेंगे आपके साथ के रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते के लिए, लेकिन इन चीज़ों के लिए वक्त यहाँ पर लगेगा, उस चीज़ के लिए आपको भी पेशेंस बनाना होगा, और इवन आपको अपने आप को पॉजिटिव भी बनाना होगा। यानी कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियरली कि देखो 20 से 21 हफ्ते यहाँ पर लग जाएंगे, 20 से 21 वीक्स यहाँ पर लग जाएंगे इस पर्सन को इस कनेक्शन के लिए फाइट करने के मामले में, या वो स्ट्रेंथ जुटाने के लिए। तो आपको इतने वक्त में अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करना होगा, आपको इतने वक्त मैनिफेस्ट करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, और डेफिनेटली चीज़ें तभी तो सही होंगी जब आप इस चीज़ पर भरोसा बनाए रखोगे। अगर आप भी भरोसा तोड़ोगे तो इस पर्सन का भी मनोबल जो है, स्ट्रेंथ जो है, वो और ज़्यादा कमज़ोर होगी, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत समझना होगा, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। रोमांस एंजल से एक बार और देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज ओली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। चिल्ड्रन, तो देखो पहली चीज़ तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में अगर आप एक कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे तो आप लोगों का फ्यूचर डेफिनेटली एक फैमिली में आना, एक स्टेबिलिटी में आना काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, यानी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से आप लोग यहाँ पर वापस से रियूनाइट हो गए, तो ये मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। कीप एन ओपन माइंड, बस उसके लिए आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा, यानी कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। जो मुश्किल है, मुश्किल टास्क है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी ये सोलमेट है, और आपको अपने माइंड को इस चीज़ को लेकर क्लियर करना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोलमेट हैं तो आप दोनों सेम नेचर के हों, या आप दोनों की सेम सोच हो, सेम तरह के आप हो, डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी होगी, बजाय उसके आपको अपने माइंड को ओपन करना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। पैशन एंड वेरी सून डेफिनेटली इस कनेक्शन में वापस से वो पैशन आएगा जिसकी अभी आपको कमी दिखाई दे रही है, मतलब इस पर्सन में है लेकिन उन्होंने वो चीज़ें छुपानी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो पैशन आपको खुद से जल्द दिखाई देगा और क्लियरली दिखाई देगा। उसके अलावा आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, आप जो चाहते हो ना, बस उस चीज़ को लेकर अड़े रहो, उस चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट करते रहो, रोज़ उसे बदलो मत। जैसे एक दिन लगता है कि आज इसने ये फ़ोटो डाल दिया, आज वो किसी और के साथ दिख गया या दिख गई, और आपने तुरंत अपना जो गोल है वो चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो चाहिए वो चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको क्लियर होना होगा। तो ये आपसे एज अ गाइडेंस भी बोला जा रहा है, ठीक है। एक कार्ड और देख लेते हैं, वैसे काफ़ी क्लियरली दिख गया है कि इस कनेक्शन में आप लोगों का बेसिकली जो फ्यूचर है वो एक दूसरे के साथ ही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि अपनी लव लाइफ को लेकर अगर आप ही नेगेटिव हो रहे हो तो आप किसी और से क्या उम्मीद कर रहे हो। जब तक आप इस लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव नहीं रहोगे किसी भी सूरत में, जब तक आप भरोसा नहीं बनाए रखोगे तब तक चीज़ें उस वे में नहीं होंगी। और इस कनेक्शन में वेडिंग आपकी होगी, बच्चे आपके होंगे, अगर आप ऑलरेडी आप मैरिड हो, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी होगी, या ऑलरेडी वेडिंग हुई भी है आपकी तो बच्चे यहाँ पर होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली बोली जा रही है, यानी कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में फ्यूचर आपका लॉन्ग स्टेबिलिटी ही है, लेकिन वक्त लगेगा, और उतने वक्त आपको अपने आप को डटकर पॉजिटिव बनाए रखना है, ये तो आपको करना होगा, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।